नमस्कार दोस्तों। तो डायरेक्टर प्रभु देवा के निर्देशन में बनी बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस दिशा पाटनी स्टार फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई को 13 मई को रिलीज किया गया था और इस फिल्म को देश भर में लॉकडाउन होने की वजह से सिर्फ त्रिपुरा के 3 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। साथ ही साथ इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म Z5, Zplex और ओवरसीज मार्केट के सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, जहां इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो वहीं अभी दोस्तों हाल ही में 11 जून को जब देश भर में अनलॉक होना स्टार्ट हुआ तो महाराष्ट्र में सिनेमाघरों को परमिशन मिल गई थी। ऐसे में महाराष्ट्र के 2 सिनेमाघरों में इस फिल्म को चलाया गया था, जहां 11 जून से 27 जून तक इस फिल्म को चलाया गया और फिल्म का जो त्रिपुरा और महाराष्ट्र को मिलाकर जो कलेक्शन हो गया था वो हो गया था 1,20,712 रुपए। ऐसे में दोस्तों महाराष्ट्र में इस फिल्म के जो 2 शो चलाए जा रहे थे वो बंद हो चुके हैं, लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस फिल्म को गुजरात में स्क्रीन्स मिल चुकी है। जी हां दोस्तों, गुजरात में जहां अभी हाल ही में सरकार ने सिनेमाघरों को खोलने की परमिशन दे दी है, तो ऐसे में दोस्तों सूरत के 2 सिनेमाघरों में इस फिल्म को रिलीज किया गया है, जहां 1 सिनेमाघर में इस फिल्म के 4 शो चलाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरे सिनेमाघर में इस फिल्म के 3 शो चल रहे हैं। और खबरें यह है कि महाराष्ट्र से ज्यादा अच्छा रिस्पांस इस फिल्म को गुजरात के इन 2 सिनेमाघरों से मिल रहा है और इस फिल्म को देखने काफी ज्यादा ऑडियंस अभी भी सिनेमाघरों में पहुंच रही है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या रिएक्शन है? साथ ही दोस्तों फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड भाई को यदि उसके रिलीज के वक्त यानी कि 13 मई को ही भारत भर के सारे सिनेमाघरों में लगा दिया गया होता तो क्या आप इस फिल्म को सिनेमाघर देखने जाते या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्म राधे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और इस फिल्म से जुड़ी तमाम लेटेस्ट छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।